हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और 2021 की नोबेल प्राइज सभी फील्ड में दिए जा चुके हैं। लास्ट जो था वो इकोनॉमिक्स का था, तो इस पर ये हमारा एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें हम सभी नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इनको याद रखने की ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाम काफ़ी टफ है। हमें ये तो याद रहता है कि किसने क्या किया था, पर वो नाम क्या था वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे तीन चार लोगों के नाम डेविड है, ठीक है, डेविड से स्टार्ट है, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाले डेविड ने कौन सी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हम यहाँ पर इससे रिलेटेड ट्रिक देखेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए और आप कन्फ्यूज ना हो, एग्जाम में चार ऑप्शन आए तो उसमें से आप सही अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने इस पर वीडियोस अपलोड किए हैं इंडिविजुअली, फिजिक्स पर भी, केमिस्ट्री पर भी, तो अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास वीडियोज़ की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के नोबेल प्राइज की। तो ये तीन लोगों को मिला है। यहाँ पर जो हाफ प्राइस है वो ये दोनों को मिला है, मतलब कि 50% जो प्राइज मनी है वो जॉर्जियो पारिसी को दिया जाएगा, ये इटली से हैं, और 50% जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्यूकरो मनावे और क्लाउस हेसलमैन। ठीक है, ये स्यूकरो मनावे USA के हैं, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के हैं। इंडिया का कोई भी नहीं है इन लोगों में, मतलब जितने भी नोबेल प्राइज है उनमें इंडिया का कोई नहीं है, कोई इंडियन नहीं है। तो ये जो स्यूकरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन है, इनको क्लाइमेट चेंज पर इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न वगैरह बताया था, तो उसके लिए इनको मिला। और जॉर्जियो पारिसी ने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनमें अपना योगदान दिया है, उनकी रिसर्च वगैरह में, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो ये तीन लोग हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। अब इससे रिलेटेड ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स क्लास में कल आप लोग हंस रहे थे, शुक्र मनाओ पास हो गए। फिजिक्स क्लास में आप लोग कल हंस रहे थे, शुक्र मनाओ आज पास हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो आप, बट कल फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे, शुक्र मनाओ पास हो गए। ओके, कल पहली बात तो फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, कल हंस रहे थे तो क्लाउस हेसलमैन, कल हंस रहे थे क्लाउस हेसलमैन। ओके, फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे या कल फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे, जैसा भी आपको याद रहे, क्लाउस हेसलमैन। ओके, शुक्र मनाओ पास हो गए, शुक्रो मनावे, ये तो नाम ही एक जैसा लग रहा है, शुक्रो मनावे, जैसे कि आप बंगाली में बोल रहे हो, तो शुक्र मनाओ पास हो गए, जॉर्जियो पारिसी पास हो गए। ओके, तो कल फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे, शुक्र मनाओ पास हो गए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, चार ऑप्शन आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। फिजिक्स क्लास में हंस रहे थे आप लोग तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज हैं। ओके, आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। शुक्रो मनावे ने क्या किया था, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, इन्होंने एक अर्थ का मॉडल तैयार किया था, एक छोटा सा मॉडल तैयार किया था, जिसमें इन्होंने ये देखा था कि अर्थ का मॉडल, जैसे कि सॉइल वगैरह कर दी उसमें, ठीक है, उसके अलावा ओशियन बना दिए, तो अर्थ जैसी है वैसा ही इन्होंने एटमॉस्फेयर बना दिया। और यहाँ पे देखा इन्होंने कि टेम्परेचर चेंज होता है जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन जो है उसको डबल कर देते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमने क्लाइमेट चेंज में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कोई योगदान नहीं है, तो बिल्कुल ये है, इन्होंने ये चीज़ प्रूव की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है, मॉडल ही यूज टू स्टडी इवेंचुअली बिकम अ टूल फॉर सिमुलेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है, तो इसके बारे में हमें पढ़ने में, स्टडी करने में सहायता मिलेगी इस मॉडल से। अब दूसरे हैं डॉक्टर हेसलमैन, ठीक है, क्लाउस हेसलमैन, नाम याद रहेगा। His method have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emission of carbon dioxide. ठीक है, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उस emission की वजह से atmosphere का temperature जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की research अलग अलग थी but same ही research थी। ओके, दोनों ने अलग अलग की थी, इसीलिए साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तीसरे हैं जॉर्जियो पारिसी। जॉर्जियो पारिसी ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर वर्क किया था। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, जैसे कि जो रियल लाइफ वाले जो सिस्टम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, तो इन्होंने इस पर वर्क किया था। प्रैक्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इनके बहुत ब्रॉड लेवल के जो फिजिक्स के टर्म्स हैं उन पर इन्होंने काम किया था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर, तो इनकी डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए इनको हाफ प्राइज मिला है नोबेल प्राइज का। और इस पे अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरा जो इंडिविजुअल मैंने जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज वाला वीडियो बनाया उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये होते हैं स्पिन ग्लास, इसमें आपको ये नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है,
इसकी डायरेक्शन मतलब हम जब डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे तो हमें पता है कि फेरोमैग्नेट में सेम ही डायरेक्शन होती है, एंटी फेरोमैग्नेट में अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी अपोजिट साइड है, तो फिर इसकी अपोजिट साइड होगी, ठीक है। तो बेसिकली दो के बाद में तीसरा उसके अपोजिट साइड होगा, ठीक है, दो के बीच में तीसरा अपोजिट साइड होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम्स पर वर्क किया उन्होंने। ओके, अब हो गए फिजिक्स के नोबेल प्राइज। नेक्स्ट आते हैं हमारे ये दो साइंटिस्ट, इन दोनों साइंटिस्ट को मिले हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज। ये दो साइंटिस्ट का नाम क्या है, ये जो है इनका नाम है डेविड जूलियस, ठीक है, डेविड जूलियस। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डेविड जूलियस, और ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनका नाम क्या है, अर्डेम पटापाउटेन, डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटेन, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने क्या किया, जैसे हमें टेम्परेचर अगर हम जल जाते हैं तो हमें जो जलन होती है, ठीक है, हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचता है हमें जलन हो रही है, उस चीज़ का कैसे पता चलेगा, या हमें कोई टच कर रहा है, कोई हग कर रहा है, या कोई हमें टच करता है, उस टच के बारे में हमें पता चलता है, तो वो चीज़ कैसे पता चलती है, तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी खोज की थी कि कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर की वजह से वो रिसेप्टर्स वर्क कर रहे हैं और उससे हमें पता चल रहा है, और जो टच है उस पर कौन से रिसेप्टर्स वर्क कर रहे हैं और उसके बारे में हमें पता चल रहा है, कौन से सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने पता लगाया था। ये दो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। ओके, तो ये डॉक्टर जूलियस हैं और दूसरे क्या हैं, पटापाउटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मेडिसिन फ्री में खानी है, मेडिसिन वैसे ही बहुत कॉस्टली होती है, अगर मेडिसिन आपको फ्री में खानी है तो डॉक्टर जूली को पटाओ, ठीक है, एक डॉक्टर जूली है उनको पटाओ, तो डॉक्टर जूली को पटाओ और फ्री में मेडिसिन खाओ, ठीक है। तो डॉक्टर जूली मतलब ये डेविड जूलियस, ठीक है, और पटाओ पटापाउटेन, ठीक है, ये इस तरह का एक ही नाम है तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है, डॉक्टर जूली को पटाओ और फ्री में मेडिसिन खाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये सिर्फ ट्रिक्स के लिए जैसे कि याद हो जाए, क्योंकि काफ़ी टफ नाम है, इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है तो हमें याद नहीं रहते हैं, जैसे मैंने भी इन पर इंडिविजुअल वीडियोज बनाए हैं बट स्टिल मैं भी भूल जाती हूँ, तो ये जो ट्रिक है उससे थोड़ा सा ईजी रहता है हमें याद रखना। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या वर्क किया था, बेसिकली जो डॉक्टर जूलियस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पर वर्क कर रहे थे, और इन्होंने चिली पेपर मतलब कि मिर्च पर और वर्क किया, और स्पाइडर वेनम पर वर्क किया। तो इन्होंने देखा कि जैसे हम मिर्च खाते हैं ना तो हमें मिर्च से तीखा लगता है, ये क्यों होती है, तो इन्होंने इस पर वर्क किया था। ये चीज़ हमें ये समझाती है कि हमारी बॉडी किस तरह से सेंस करती है हीट को, या जो केमिकल इरिटेशन है उसको किस तरह से हमारी बॉडी सेंस करती है, उसको ये इन्होंने समझाया। इन्होंने डिकोड किया द न्यूरो साइंस ऑफ पेन, जैसे कि मतलब क्यों पेन हो रहा है उस चीज़ को इन्होंने बताया। तो बेसिकली हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प क्या होगी, पेन थेरेपी के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नई नई मेडिसिन ला सकते हैं, तो पेन रिलीफ में वर्क करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की थी, ठीक है। जो डॉक्टर पटापाउटेन थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था अ नोबल क्लास ऑफ सेंसर्स इन आर स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारे स्किन मतलब बेसिकली हमें कोई हग कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसका हमें कैसा पता चलेगा, हमें जो कोल्ड है या मैकेनिकल स्टिमुलाई जिसका मतलब है कि हमें कोई टच कर रहा है तो उसका किस तरह से पता चलेगा, या हमें ठंड लग रही है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी उसमें हमारी बॉडी, और किस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई। इनकी जो स्टडी थी उससे हम समझ पाए कि हीट कोल्ड और जो मैकेनिकल फोर्स है कैन इनिशिएट अ नर्व इम्पल्सिस दैट अलाउ अस टू परसीव एंड अडेप्ट द वर्ल्ड अराउंड अस, बिल्कुल। तो जो हमें लोग हग करते हैं ये चीज़ हमें पता चल रही है, हमें टच करते हैं, तो बेसिकली इससे हम ये चीज़ पता कर पा रहे हैं। तो इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की थी, जब ये रिसेप्टर्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, मतलब जैसे कि किसी ने हमें टच किया, या हमें गर्मी लगी उसमें, हाथ में गर्म हुआ या ठंड लगी, तो वो हमें सेंस करता है, वो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, मैकेनिकल वो एक सिग्नल जाता है और वो पूरा का पूरा पाथ होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस पर इन्होंने बताया, नाम याद रहेंगे डॉक्टर पटापाउटेन और एक और कौन थे, डेविड जूलियस। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स और मेडिसिन के हो गए, अब आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, हाफ हाफ नोबेल प्राइज मिला है, एक तो है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ठीक है। इनको इसलिए मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, इन्होंने असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस का डेवलपमेंट किया था। कैटलिस्ट जानते हैं आप, कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन
जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं उस रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी दर को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट या उत्तेजक जिसको बोलते हैं, जो रासायनिक क्रिया है उसकी दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट जल्दी रिएक्शन हो जाए, जैसे कि हम दही जमाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं जिससे कि दही जल्दी जम जाता है। तो बेसिकली रासायनिक जो क्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट को बढ़ा देना, ये काम होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। तो इन्होंने एक नए टाइप का कैटलिस्ट खोजा था, ठीक है, और जिसको नाम दिया था इन्होंने असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, ओके। तो इसलिए इन दोनों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। और इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, इन्होंने एक साथ मिलकर वर्क नहीं किया था, ये अपनी जगह पे काम कर रहे थे, ये अपनी जगह पे काम कर रहे थे, और आसपास ही एक ही साल के आसपास इन दोनों ने ये डिस्कवरी की, ओके। ये जो बेंजामिन लिस्ट है वो जर्मनी के हैं, जर्मन साइंटिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन स्कॉट केमिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने वर्क किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। अब यहाँ पे याद कर सकते हो आप, केमिस्ट्री बेंजीन पढ़ा होगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा बेंजीन इस तरह का दिखता है, ये जो आप देख रहे हो ये बेंजीन है, ठीक है। तो इस तरह का बेंजीन दिखता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का बेंजीन दिखता है, यहाँ पे कार्बन 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 होते हैं, ठीक है, और ये कार्बन जुड़े होते हैं आपस में, ओके, यहाँ पे एच भी होता है, तो बेसिकली ये बेंजीन होता है। तो बेंजीन कहाँ पे होता है, केमिस्ट्री में होता है, ओके, बेंजीन केमिस्ट्री में होता है। तो बेंजीन का केमिस्ट्री से मिलन कराना है, ठीक है, बेंजीन और केमिस्ट्री अलग अलग हो गए थे, तो बेंजीन का केमिस्ट्री से मिलन कराया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, उसको रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जल्दी जल्दी इन्होंने मिलन करा दिया बेंजीन का केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेंजीन ही बेंजीन दिखाई देगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बेंजीन से या बेंजीन का केमिस्ट्री से मिलन कराया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने डेवलपमेंट किसका किया था, ऑर्गेनोकैटालिसिस का किया था, या कैटलिस्ट बताया था इन्होंने एक नया, ओके। मिलन कराया तो मैकमिलन, मिलन से आपको याद रहेगा मैकमिलन, ठीक है, डब्ल्यू सी मैकमिलन, और केमिस्ट्री से आपको याद रहेगा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, और बेंजीन से क्या याद रहेगा, बेंजामिन लिस्ट, बेंजीन दैट इज बेंजामिन लिस्ट, ओके, बेंजामिन लिस्ट बेंजीन, ओके। बेंजीन का केमिस्ट्री से मिलन कराया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ये आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, बस आपको ये चीज़ें पूछेंगे कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किन किन को मिला, ओके। तो यूपीएससी वगैरह में आपको ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो मैंने आपको सभी बता दिया यहाँ पे। तो अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कैटलिस्ट अब एक नया बताया था, और ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो है उसकी रेट को बढ़ा देते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, और उसमें चेंज नहीं होते हैं, बाद में ये वैसे के वैसे निकल आते हैं, ओके। अब बात आती है कि जनरली हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो मेटल और एंजाइम होते हैं। इन्होंने वर्क क्या किया था, इन्होंने जो एंजाइम के अंदर एमिनो एसिड्स है ना, तो इन्होंने ये देखा था कि एंजाइम के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी अलग से रिएक्शन कराई, तो इंडिविजुअल रिएक्शन उसकी कराई थी इन्होंने। तो इस तरह का एक थर्ड टाइप ऑफ कैटालिसिस इन्होंने देखा, जिसको नाम इन्होंने नया नाम दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली वैसे हम एंजाइम को यूज करते थे एज अ कैटलिस्ट, इन्होंने उसके अंदर जो अमीनो एसिड थे ना उसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो बेसिकली उसको एज अ कैटलिस्ट इन्होंने यूज किया, और ये फर्स्ट टाइम था इनकी डिस्कवरी। ऐसा था, लोग बोल रहे थे कि हम ऐसा क्यों हमारे माइंड में नहीं आया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन ये सिंपल भले ही थी, क्योंकि लोग अगर सोच लेते तो सिंपल थी, आज जब पता चल गया तब सिंपल है, बट इन्होंने स्टार्टिंग जब की, जब इन्होंने देखा तभी सिंपल नहीं थी, क्योंकि तब तक हम एंजाइम पर वर्क कर रहे थे, और इसके अंदर का जो एमिनो एसिड है वो उसको एज अ कैटलिस्ट यूज किया, और ये डिस्कवरी बहुत बड़ी हेल्प हुई हमारी जो मेडिसिन वगैरह हैं उसमें, ओके। तो यहाँ पर ये इसी के बारे में लिखा है मैंने। तो इस तरह की जो मेडिसिन है, एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन, और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की मेडिसिन, उस पर हमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगी इनकी जो रिसर्च है वो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे लिटरेचर के नोबेल प्राइज। लिटरेचर का नोबेल प्राइज एक ही इंसान को मिला है, ठीक है, बाकी सब आपने देखा दो या तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो नोबेल प्राइज है एक इंसान को मिला है। तो एक इंसान को मिला है, तो राजा है भाई ये, ठीक है, तो अब्दुल रजाक गुरनाह, ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह, ठीक है, इनको मिला है। अब इनको मिला है तो इसलिए आपको इनकी बुक्स याद रखना भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो पहली चीज़ तो आती है कि इस बुक के लिए मिला है, तो नोबेल प्राइज़ किसी एक बुक के लिए नहीं मिलता। इन ये किस टाइप का लिखते हैं, इनका जो जिस टाइप का इनकी लेखनी है बेसिकली उसके लिए मिलता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का लिखते हैं, तो जो इनके जब ये जंजीवर में पैदा हुए थे ये, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज्य था, ब्रिटिश कॉलोनी था तब तक जंजीवर, तो इन्होंने कॉलोनियलिज्म पर लिखा था, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ पर लिखा था,
और ये वहां से भाग कर आ गए थे, बाद में ब्रिटिश साम्राज्य वहां पे खत्म हो गया था और ये वहां पे भाग कर आ गए थे, फिर ये रिफ्यूजी रहे थे। तो इन्होंने रिफ्यूजीज की लाइफ के बारे में भी लिखा कि उनकी किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह का भाग्य होता है और किस तरह से वो मतलब क्या क्या रहता है उनकी लाइफ में। तो इन दोनों चीज के ऊपर इन्होंने लिखा है, बहुत डीप लिखा है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, और ये कहाँ रहते हैं, तो ये यूके में रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इनकी मैंने स्टोरी भी पूरी बताई हुई है, जो इंडिविजुअल वीडियो है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इन्होंने कितनी बुक्स और नॉवेल्स लिखी हैं। तो इन्होंने 10 नॉवेल्स लिखी हैं और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और ऐसे लिखे हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर लाइफ, ठीक है, 2020 में लास्ट इन्होंने लिखी थी, वो आप याद रखिएगा। बाकी ये भी आप याद रखिएगा, पिलग्रिम्स वे, पैराडाइज, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज दो लोगों को मिला है, एक सिंगल फीमेल है जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है, बाकी सब मेल को मिला है। ठीक है, तो जो इनको किस में मिला है, पीस में मिला है नोबेल पीस प्राइज। ये दोनों रिपोर्टर्स हैं, इनका नाम क्या है, मेरिया रेसा, और इनका नाम है डिमिट्री मोराटाव। ठीक है, ये जर्नलिस्ट हैं और इनको मिला है, इन्होंने अपने यहाँ पे स्ट्रगल किया, इनके जो एफर्ट्स थे किस लिए एफर्ट डाले इन्होंने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो प्रेस को करनी चाहिए, जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए, उसका इन्होंने वर्क किया। ये जो मैरिया रेसा है ये फिलीपींस की हैं और डिमिट्री मोराटा रसिया के हैं, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। और इन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट के विरोध में जाके, जब इनको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ये आप समझ सकते हैं कि अपने देश में अपनी सरकार है और हम उनके खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। और इनके लिए बोला गया था कि आज की डेट में प्रेस की जितनी जरूरत है उतनी कभी नहीं थी। ऑब्वियसली प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे और उस पर किसी का दबाव ना हो तो बेहतर देश बन सकता है, तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके लिए अब ट्रिक देख लेते हैं, दम है तो मेरे जैसा पीसफुल बनो। देखो लड़ाई झगड़ा तो सब कर लेते हैं, बट कोई शांति रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, शांति के साथ रहना और अपने काम को करे जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो पीसफुल बनो, कैसा, मेरे जैसा, तो मेरिया रेसा, मेरे जैसा, मेरिया रेसा, दैट इज मेरिया रेसा। दम है तो डिमित्री मोराताव, दम डिमित्री मोराताव। ठीक है, मेरे जैसा पीसफुल बनो। ओके, दम है तो मेरे जैसा पीसफुल बनो। ओके, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज तीन लोगों को मिला है। ये तीन लोग कौन है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेट और यूडियो डब्ल्यू एमवेंस। यूडियो डब्ल्यू एमवेंस, यूडियो डब्ल्यू एमवेंस, जोशुआ डी एंग्रेट और डेविड कार्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो डेबिट कार्ड है उनको हाफ प्राइज मिला है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हाफ प्राइज मतलब कि 50% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इनको दिया जाएगा और 50% इन दोनों को मिला के दिया जाएगा। तो ये जो एंग्रेट और एमविंस हैं, एंग्रेट और एमविंस, तो इन दोनों को हाफ प्राइज दिया जाएगा और बाकी डेबिट कार्ड को हाफ प्राइज दिया जाएगा। इन तीनों को क्यों मिला है, तो इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट इन्होंने सॉल्व किए। इन्होंने वर्क किया लेबर इकोनॉमिक्स पर, लेबर इकोनॉमिक्स कैसे, तो किस तरह से लेबर इकोनॉमिक्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ से लेबर दूसरी कंट्री में चली जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ पे क्या पड़ेगा, वहाँ पे क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है क्योंकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, ये दोनों ने इन्होंने क्या किया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप मतलब किस तरह का रिलेशनशिप, जैसे कि किसी स्टूडेंट की, जैसे कि मेरी स्टडी है, अगर मैं एक साल और पढ़ती तो क्या अफेक्ट होता उसका, क्या फर्क पड़ता, किस तरह की जॉब मिलती है, किस तरह का फायदा होता इकोनॉमी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, इस पर स्टडी करना इतना ईजी नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को एक साल और वो पढ़ते, दो साल और वो पढ़ते, तो उनकी स्टडी में क्या चेंज होता और स्टडी की वजह से उनको किस तरह की जॉब मिलती, किस तरह से इकोनॉमी में वो फ़ायदा कर पाती, कितना फ़ायदा कर पाती, ये चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है, तो इन्होंने एनालिसिस किया कैजुअल रिलेशनशिप का। तो इन दोनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला है, हाफ प्राइज, और बाकी हाफ प्राइज इनको मिला है। तो प्राइज मनी जो था वो 10 मिलियन दिया जाता है और ये 10 मिलियन इन दोनों के बीच में, ये जो तीनों हैं उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, 10 मिलियन कितना है आपका, ये है 8.6 करोड़। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं।
देखिए कुछ ऐसे गेम्स मिलते हैं हमें ऑनलाइन जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे ऐड आते हैं आजकल आपके कि गेम खेलो पैसा बनाओ, गेम खेलो पैसा बनाओ। तो उस तरह का एक गेम है, कार्ड का गेम है, रमी गेम। तो गवर्नमेंट बहुत सारे गेम को बैन कर रही है क्योंकि लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, जैसे कि पबजी बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इस तरह से बैन कर रही है। पैसा कमाओ तो पैसा आप कहाँ पे, इकोनॉमी की बात चल रही है तो पैसा कमाना मतलब इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी की बात चल रही है तो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज है। तो गवर्नमेंट ने एंग्री होकर, गुस्सा होकर कार्ड्स बैन कर दिए, गवर्नमेंट ने एंग्री होकर कार्ड्स बैन कर दिए, ठीक है। तो कार्ड एक गेम था जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्या करके, एंग्री होकर। तो एंग्रिस्ट, जिससे आपको याद रहेगा, एंग्री होकर तो एंग्रिस्ट, ठीक है। कार्ड्स बैन कर दिए तो डेबिट कार्ड, और बैन कर दिए तो एम्बेंस। यहाँ पे डेविड, बहुत सारे जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, मैं तीन नोबेल प्राइज विनर का नाम डेविड है, तो बेसिकली आपको इससे याद नहीं रखना, इसलिए आप कार्ड से याद रखिए, ठीक है। तो डेबिट से हमने किसी का भी याद नहीं किया है, तो एंग्री एंग्रिस्ट कार्ड, डेबिट कार्ड और इम्बेंस तो वैन, गवर्नमेंट ने एंग्री होकर कार्ड स्पेंड कर दिया, तो याद रहेगा अब आपको। चलिए तो ये हो गए हमारे नोबेल प्राइज, जितने भी हमने यहाँ पे जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए थे वो सब डिस्कस कर लिए। अब बात कर लेते हैं क्विकली कि नोबेल प्राइज कब से और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल, ये इनका नाम था, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। इन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी डेथ हो गई थी 1896 में, और ये चाहते थे कि इनके जो एसेट्स हैं, मतलब जो इन्होंने इन्वेंशन किया उसका बाद में पैसा आता रहता है पूरी जिंदगी और उसके बाद भी, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो एसेट्स हैं, ठीक है, उन एसेट्स का यूज करके प्राइज दिए जाएं जो जो अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पांच प्राइजेस, पांच नोबेल प्राइजेस स्टेब्लिश किए गए, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट किया गया था 1901 में। नोबेल प्राइज आर अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ठीक है, इन सभी में दिए जाते हैं, ओके। और सिक्स नोबेल प्राइज जो है वो है इकोनॉमिक्स का। ये जो नोबेल प्राइज है ये 1968 से दिया जाता है, बाकी सब 1901 से दिया जाता है। इसको 1968 से स्टार्ट किया गया था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, जो अभी 11th ऑफ अक्टूबर में दिया गया, ओके। नोबेल प्राइज जो है वो क्यों दिया जाता है, जो भी साइंटिस्ट या जो भी इंडिविजुअल अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर पांच नोबेल प्राइज जो है, एक्सेप्ट पीस प्राइज, वो देता है स्वीडन, पांचों के पांचों कौन देता है, स्वीडन देता है, और पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे देता है, ठीक है। पीस प्राइज नॉर्वे देता है, ये दोनों देश आसपास ही हैं, ठीक है। स्वीडन जो है वो बाकी सारे देता है, सिर्फ पीस प्राइज छोड़ के नॉर्वे पीस प्राइज देता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि पीस प्राइज कौन देता है और बाकी सारे कौन से देते हैं, और नोबेल प्राइज होता क्या है, कब से दिया जाता है, और किन किन को दिया गया है, उससे रिलेटेड भी डिस्कस की। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं ये जो लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए बोलती हूँ और वो चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती, बट ये मेरा काम है, मैं ये इसलिए बोलती हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि आपको लाइक भी करना है, क्योंकि आप पढ़ते हैं और चले जाते हैं, और अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो को और लोगों को भी दिखाई जाती है, बट अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो उसको उतने लोगों को नहीं दिखाया जाता। तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।